नमः, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कुछ दर्शकों के अनुरोध पर मैं ये पुनरावृत्ति वाला अध्याय लेकर आई हूँ। ये है 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3, और ये पाठ 5 से लेकर पाठ 8 तक का पुनरावृत्ति वाला भाग इसमें दिया गया है। ये है पृष्ठ संख्या 55 पर। तो पहला प्रश्न देखिए, राजकुमारी विद्योत्तमा कस्य पुत्री आसीत? उत्तर है विद्याधरस्य। इसमें मैंने पहले ही उत्तर जो है पेंसिल से मार्क कर लिए हैं ताकि हमारे और आपके दोनों के समय की बचत हो सके। ख, शास्त्रार्थे सा कान पराजितः अकरोत्। राज पंडितान, शास्त्रार्थ में उसने किसको पराजित किया? राज पंडितों को। आचार्य अनुसारेण आत्मनः कति रूपं भवति? आचार्यों के अनुसार आत्मा के कितने रूप होते हैं? उत्तर होगा 2। कालिदासस्य किम नाटकम् विश्व प्रसिद्धम अस्ति? कालिदास का कौन सा नाटक है जो विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम्। भारतः कस्मिन् वर्षे गणतंत्रः अभवत्? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गणतंत्र पूछा है, स्वतंत्र नहीं पूछा है। स्वतंत्र हुआ था 1947 में और गणतंत्र हुआ था 1950 में, जिसके कारण जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। च भाग है, भारत द्वारे सैनिकाः कम अभिनंदन्ति? भारत द्वार पर यानी कि इंडिया गेट पर सैनिक किसका अभिनंदन करते हैं? राष्ट्रपति का। शोभा यात्रा कुत्र समाप्तिम गच्छति? शोभा यात्रा कहाँ पर समाप्त होती है? रक्त दुर्गे। रक्त कहते हैं लाल रंग को और दुर्ग कहते हैं किले को, तो रक्त दुर्ग अर्थात लाल किला। पंडिताः मूर्खस्य विवाह केन सहकारिताः? पंडितों ने मूर्ख का विवाह किसके साथ करवाया? राजकुमारी के साथ। के कथयन्ति यत 6 वर्ष पर्यंतम वर्षा न भविष्यति? कौन कहते हैं कि 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी? दैवज्ञाः, दैवज्ञ होते हैं जो भाग्य को जानने वाले होते हैं। जलाशयस्य तीरे वकः कथम अतिष्ठत्? जलाशय के किनारे बगुला किस प्रकार से खड़ा था? अश्रु प्रवहन, आंसू बहाते हुए। प्रश्न 2 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क, कुलीरकः वकस्य समीपं गत्वा दुःखस्य कारणं अपृच्छत्। कुलीरकः वकस्य समीपं गत्वा किम अपृच्छत्? केकड़े ने बगुले के पास जाकर क्या पूछा? स कुठारेण शाखां कर्तने मग्नः आसीत्। वह कुल्हाड़ी से शाखा को काटने में व्यस्त था, तो कुठारेण के स्थान पर आ जाएगा केन। केन शाखां कर्तने मग्नः आसीत्। एषः उज्जयिनी नगरस्य विद्वान आचार्यः अस्ति। एषः कस्य नगरस्य विद्वान आचार्यः अस्ति? और यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रखिए, यदि आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया हो और आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर आपके अंक जो है काट लिए जाते हैं, आपको पूर्ण अंक नहीं मिलते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आना चाहिए। अस्ति कश्चित् वाग् विशेष शब्दैः स त्रीणि महाकाव्यान् अरचयत्। तो अस्ति कश्चित् वाग् विशेष, इन शब्दों से उसने कितने महाकाव्यों की रचना की? तो स कति महाकाव्यान् अरचयत्। उसके बाद है, राष्ट्रपति महोदयः ध्वजारोहणं करोति। राष्ट्रपति महोदयः किं करोति? स अधुना मौन व्रतम आचरति। अब वह अभी वह क्या कर रहा है? मौन व्रत कर रहा है। तो स अधुना किम आचरति? प्रश्नवाचक चिन्ह। कुलीर कह तस्य पृष्ठे स्थित्वा गतः। केकड़ा उसकी पीठ पर बैठकर गया। तो कुलीर कह कुत्र स्थित्वा गतः। स शिलाया मत्स्यान खादन्ति स्म। अब यहां पर खादन्ति को मैंने इसलिए गोला लगाया है क्योंकि यहां पर ये गलत लिखा गया है। स के साथ खादती आएगा। स शिलाया मत्स्यान खादती स्म। यदि यहां पर ते होता अर्थात बहुवचन रूप होता तो ही यहां पर खादंती स्म आता, लेकिन स है तो यहां पर आएगा खादती खादती स्म। तो स शिलायाम कान खादती स्म। उसके बाद है, कालिदासः विश्व प्रसिद्धः कविः आसीत्। कः विश्व प्रसिद्ध कवि आसीत्? प्रश्नवाचक चिन्ह। लक्षशः जनाः भारत द्वारे संघी भवन्ति। के भारत द्वारे संघी भवन्ति?
ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रश्न। इसके उपरांत इसका भाग तीन देखिए, निम्न शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन और लिंग लिखें। तो ईर्ष्या में मूल शब्द है ईर्ष्या, चतुर्थी विभक्ति एक वचन और नपुंसक लिंग, संकेतेह संकेत शब्द है यहाँ पर, तृतीय विभक्ति बहुवचन नपुंसक लिंग, नेत्रे नेत्रम शब्द है प्रथमा विभक्ति द्विवचन नपुंसक लिंग, गृहात गृहम मूल शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग, मत्स्यानाम मत्स्य शब्द है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन और ये होगा पुल्लिंग शब्द, युष्मान यहाँ पर दिया गया है युष्मद शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अर्थात ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ये शब्द एक जैसा ही रहता है, युष्मान युष्मद शब्द। ठीक है, उसके बाद है विपत्ते हे, विपद शब्द है ये और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है और ये है पुल्लिंग शब्द। उसके बाद राज्येभ्य राज्यम है मूल शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। उसके बाद है राजमार्गेषु, तो राजमार्गम मूल शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग शब्द, रात्रौ रात्रि है मूल शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग। उसके बाद प्रश्न चार में क्या दिया गया है, नहीं प्रश्न चार नहीं है ये, प्रश्न तीन का ख भाग है, निम्न शब्दों के धातु वचन लकार और पुरुष लिखिए। तो पहला शब्द दिया गया है शक्यते, शक्यते में शक धातु एक वचन लट लकार और प्रथम पुरुष होगा। अब आप पूछोगे कि लट लकार में तो शक्यति शक्यते कैसे बन रहा है, तो देखिए संस्कृत में जो है आत्मनेपद और परस्मैपद दो तरह से ये जो है धातु रूप प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो आत्मनेपद होते हैं उसमें हमेशा एक ही मात्रा वाले शब्द आते हैं, यानि कि शक्यते शक्यते शक्यन्ते, और जो होते हैं परस्मै पद उसमें ई की मात्रा वाले आते हैं, जैसे पठती पठतः पठंती उस तरह के शब्द, जैसे वदती वदतः वदंती, अगर मैं कहती हूँ भक्ष्यते भक्ष्येते भक्ष्यन्ते तो वो हो जाएंगे आत्मनेपद। उसके बाद वदतु शब्द है, वद धातु है एक वचन लोट लकार प्रथम पुरुष, दास्यति दा धातु एक वचन लृट लकार प्रथम पुरुष, अदर्शयत दृश्य धातु एक वचन लंग लकार प्रथम पुरुष, भवतः भू धातु द्विवचन लट लकार प्रथम पुरुष, अस्मि अस्मि में क्या होगा अस धातु एक वचन लट लकार उत्तम पुरुष, नेष्यामि नी धातु एक वचन लृट लकार उत्तम पुरुष, प्रदर्शयंती में प्र उपसर्ग पूर्वक दर्श धातु बहुवचन लट लकार प्रथम पुरुष। और इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे, दर्शयंती दर्शयतः दर्शयति दर्शयतः दर्शयंती, और प्र उपसर्ग है तो प्रदर्शयति प्रदर्शयतः प्रदर्शयंती। उसके बाद क्रियते, इसमें क्री धातु होगी एक वचन और लट लकार, और ये भी आत्मनेपद में है क्योंकि यहां पर देखिए त में एक ही मात्रा दी हुई है, जिस प्रकार से शक्यते में भी एक मात्रा दी गई थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक मात्रा दी गई है क्रियते, तो ये भी आत्मनेपद का रूप है। उसके बाद है अभक्षयत, यहाँ पर होगा भक्ष धातु एक वचन लंग लकार प्रथम पुरुष। तो ये हो गया पृष्ठ 57 तक। इसके बाद चलिए पृष्ठ 58 पर पुनरावृत्ति का भाग हल कर लेते हैं। प्रश्न चार है, प्रत्ययान संयोज्य शब्द निर्माणम कुरोत, क्री तुमुन प्रत्यय क्या बन जाएगा कर्तुम, आ भूष ल्यप आभूष्य, हन तुमुन हन्तुम, त्यज त्वा त्यक्त्वा, आ रभ ल्यप आरभ्य। उसी तरह से गम धातु में क्षत्रि प्रत्यय से बन जाएगा गच्छत, आहु क्तवतु आहूतवान, वच में कतवतु उक्तवान, वचो उम, ये एक सूत्र है जिससे वच धातु को ऊ हो जाता है, तो वच में कतवतु से वचवान नहीं होगा, वच को हमेशा याद रखना है, वचो उम से उक्तवान ऊ हो जाता है व को ऊ,
तो क्री में तव्यत लगाएंगे तो कर्तव्य बन जाएगा, धृ में क्त्वा लगाएंगे तो धृत्वा बन जाएगा। उसके बाद आगे है संधि और संधि विच्छेद करें। शास्त्र जमा अर्थे शास्त्रार्थे, शाखा जमा उपरी शाखोपरी, आचार्य जमा अनुसारेण आचार्यानुसारेण, एतत् श्रुत्वा एतत् श्रुत्वा। इसको ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। उसके बाद प्रसिद्धः अस्ति प्रसिद्धो अस्ति, एक एव उपायः एकैव उपायः, पर्वतस्य अंचले पर्वतस्यांचले, यहां पर जो है आ की मात्रा आ जाएगी। प्रातरेव का संधि विच्छेद होगा, प्रातः जमा एव पदायतः च पदायतश्च, संस्कृति अनुसारम संस्कृते अनुसारम। प्रश्न छे, निम्नलिखित शब्दानां वाक्येषु प्रयोगं कुरुत, वाक्य में प्रयोग कीजिए। ध्वजारोहणम अद्य ध्वजारोहणम भविष्यति, शोभायात्रा अहम शोभायात्रा द्रष्टुम गच्छामि, ईर्ष्यया स ईर्ष्यया इतस्ततः भ्रमति। आपसे एक और अनुरोध है कि कृपया इसके स्क्रीनशॉट ना लें और चाहे तो इसको पूरा देखें, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बस अपना काम निकाल लेते हो तो जो हमारा पर्पस है आपको कुछ समझाने का सिखाने का वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए प्रार्थना रहेगी कि आप जो है इसको वीडियो को पूरा देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा ये शेयर होगा हमें उतनी ही खुशी होगी कि हमारा बांटा हुआ ज्ञान जो है आगे बढ़ रहा है और किसी ना किसी को इसका लाभ मिल रहा है। तो यदि आप इसको शेयर करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत पहले से ही मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है करतल ध्वनिम रामस्य चित्रम दृष्ट्वा सर्वे करतल ध्वनिम अकुर्वन, निष्णातः स सर्वासु विद्यासु निष्णातः आसीत, वह सभी विद्याओं में निष्णात मतलब निपुण था। और दैवज्ञाः, यहाँ पर ये मुझसे छूट गया गलती से तो इसको मैं अभी लिख देती हूँ। दैवज्ञाः इसका क्या होगा, दैवज्ञाः दैवज्ञाः भविष्य भविष्यम वदन्ति, ये भी कह सकते हैं कि दैवज्ञ जो होते हैं वो भविष्य को बताते हैं, या दैवज्ञाः भविष्यम वदन्ति की जगह आप जानन्ति भी कर सकते हो। ठीक है, जानन्ति मतलब जानते हैं, दैवज्ञ जो होते हैं वो भविष्य को जानते हैं, या वदन्ति या जानन्ति दोनों में से आप एक लिख सकते हो। उसके बाद प्रश्न सात, संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। कालिदासः संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, कालिदासः संस्कृतस्य प्रसिद्धः कविः आसीत, उन्होंने राजकुमारी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। स राजकुमारीम शास्त्रार्थे पराजितः अकरोत्, बगुला बहुत चालाक था, वकः अतीव चतुरः आसीत, वह पास ही चट्टान पर बैठ मछलियां खाता था। स न अति दूरे शिलायाम उपरि मत्स्यान भक्षयति स्म, गणतंत्र दिवस पर राजधानी में समारोह आयोजित होता है, गणतंत्र दिवसे राजधान्याम समारोहस्य आयोजनम भवति, केकड़े ने बगुले की गर्दन काट दी, कुलीरकः वकस्य ग्रीवाम छिन्नाम अकरोत्, राजकुमारी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, राजकुमारी तम गृहात निष्कासितवती, उसने वाराणसी जाकर शिक्षा प्राप्त की, स वाराणस्याम गत्वा शिक्षाम प्राप्तवान, सब मछलियां बड़े तालाब में जाने के लिए उत्सुक थी, सर्वे मत्स्याः विशालतरम जलाशयम गन्तुम उत्सुकाः आसन, सभासद राजकुमारी से नाराज थे, सभासदाः राजकुमार्याः रुष्टाः आसन, रुष्टः नहीं होगा रुष्टाः होगा, रुष्टाः आसन। और इसके साथ ही ये अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।